आज दिनांक 17 मई को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले करेरा सोनचरैया अभ्यारण्य क्षेत्र में निवास करने वाले 32 गांव के किसानों ने दोपहर चिलचिलाती धूप में पैदल मार्च निकालकर अनुविभागीय अधिकारी दिनेश चंद शुक्ला को एक लिखित ज्ञापन दिया, जिसमें किसानों का कहना है कि 1981 से लेकर आज दिनांक तक अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले 32 गांव की 202.2 वर्ग किलोमीटर भूमि सोनचरैया संरक्षित क्षेत्र में घोषित कर दी गई है, जिस कारण से वहां निवासरत किसान अपनी भूमि का क्रय विक्रय नहीं कर सकते, यहां तक कि अपने उपयोग हेतु अपने ही खेत में से मिट्टी भी नहीं उठा सकते। जबकि अभ्यारण की आड़ में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और प्रतिदिन क्षेत्र से लाखों रुपए की रेत का अवैध उत्खनन नेता और उनके लोग कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में कई समस्याओं का जन्म हो रहा है। यदि इस क्षेत्र को अभ्यारण से शीघ्र मुक्त नहीं किया गया तो यह आंदोलन और उग्र होगा। भारतीय किसान यूनियन की प्रवक्ता कृष्णा रावत ने कहा कि अभी यह आंदोलन अपने शैशव अवस्था में है, यदि हमारी मांगों को शीघ्र ही नहीं माना गया तो यह आंदोलन और उग्र होगा। ज्ञापन देने वालों में महेंद्र पाठक दिहालिया, गौतम सिंह रावत, जितेंद्र रावत, गोपाल गुर्जर, देवेंद्र रावत, जवाहर सिंह रावत सहित कई लोग मौजूद थे। ज्ञापन के बाद कराया मुंडन। ज्ञापन देने के पश्चात किसानों ने सोनचरैया अभ्यारण्य से दुखित होकर मुंडन कराया, जिसमें कृष्णा देवी रावत, गौतम सिंह रावत सहित अन्य आधा दर्जन किसानों ने अपना मुंडन तहसील कार्यालय के सामने ही सड़क पर कराया और अपना विरोध प्रकट किया। करेरा से संजय गुप्ता, बिलैया की रिपोर्ट। एक्चुअली क्या है कि सन 1981 से हमारा जो करेरा और नरवर क्षेत्र तहसील में जो गांव आते हैं 32 गांव, 202 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको सोनचरैया संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सिद्ध हो चुका है सर्वे के द्वारा कि वहाँ सोनचरैया नहीं है। इसके बाद में उसको सोनचरैया अभ्यारण्य क्षेत्र से हटा करके करेरा अभ्यारण्य क्षेत्र कर दिया। हमारा सवाल इस बात का है कि जब वहाँ सोनचरैया नहीं थी तो सोनचरैया का नाम आपने कट कर दिया, लेकिन अभ्यारण्य क्षेत्र आपने किस बेस पर उसको घोषित किया? क्योंकि वहाँ की जो जमीनें हैं वो तो किसानों के भूस्वामित्व की हैं, वो कई वन विभाग की जमीनें तो है नहीं, तो फिर अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित करने का क्या मतलब है? सबसे बड़ा दंश ये कि जो 32 गाँव के लोग हैं ना, वो वहाँ पर अपनी जमीनें सेल नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, ना एक दूसरे की खरीद सकते, ना कुछ कर सकते हैं। वहाँ पेट्रोल पंप तक की अनुमति नहीं है। सब रोड की एनओसी, आप वहाँ जाके देखो रोड की क्या हालत है। समस्या ये है कि राजनीतिक पार्टियाँ इसका लाभ उठा रही हैं। 32 गांव के सारे लोग बेहाल हैं, राजनीतिक पार्टियाँ इसलिए लाभ उठा रही हैं कि जितने बड़े बड़े ये नेता हैं ना क्षेत्र के सब रेत के उत्खनन में वहाँ संलिप्त हैं। वहाँ पर जितना भी क्षेत्र है, ये जो 32 गांव की सड़क है वो पूरा चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, रात दिन बजरी निकल रही है वहाँ पर, और इसीलिए ये नेता चाहते हैं कि सड़क क्षेत्र बना रहे, क्योंकि इनकी साठगांठ रहती है अधिकारियों से, सारी चीजें सेट करके चलते हैं। अभी अगर किसान अगर कोई काम करे तो तुरंत उसका ट्रैक्टर ट्रॉली राजसात कर देंगे। वो अपने खेत से मिट्टी नहीं उठा सकता, वो एक टोकरी मिट्टी नहीं ले सकता, वो एक टोकरी बजरी नहीं ला सकता। सवाल हमारा ये नहीं, हमारा ये है कि जब हमें अगर लोन की जरूरत पड़ रही है, हम अपनी जमीन नहीं रख सकते, किसान के पास है क्या? प्रतिबंध इतने लगे हुए हैं, किसान के पास तो ले दे के अगर बच्चों को पढ़ाना है तो क्या करेगा वो? अपनी जमीन गिरवी रखेगा, उसकी लीगल उसके पास है ही नहीं, वो जमीन बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, हर तरह से बेहाल है। हम चाहते हैं कि ये संरक्षित क्षेत्र जो है हटे, और 40 साल हो गए इसको, इस दंश को झेलते झेलते। जो भी पार्टियां आती है, जो भी नेता आते हैं, बस एक ही चीज बोलते हैं, अब इस पार्टी को जिता दो हम हटवा देंगे। वो कहता फलां पार्टी को हटवा दो, वो कहता ढिका पार्टी को हटा दो हम हटवा देंगे। कोई नहीं हटवाता, बस केवल वोट मांगने जाते हैं, इसके बाद सब भूल जाते हैं कि सोनचरैया क्या है या वहां के रहने वाले क्या, सब कुछ भूल जाते हैं।